भुवनेश्वर साहब, हमने आपको दिखाया हम जमहूरियत के आलमबरदार हैं। जम्मू कश्मीर की 5 पार्लियामानी सीटों में से 4 के इलेक्शंस इख्ताम पजीर पुरअमन तरीके से हुए और अब तमाम तवज्जो अनंतनाग राजौरी सीट पर मबजूल है। उसमें पिछले 30 दिनों में 4 मिलिटेंट अटैक्स भी हुए हैं, जबकि श्रीनगर हलके में 38% पोलिंग रिकॉर्ड की गई और वही श्रीनगर को पछाड़ते हुए नॉर्थ कश्मीर में 58% से ज़ायद वोटिंग में शमूलियत की। क्या यहाँ पर वोट परसेंटेज इन दोनों हलकों से ज़्यादा होगी, वो देखने वाली बात होगी। आज अनंतनाग राजौरी इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है, शाम से यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके MLC नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन BJP वालों को आप बाहर रखिए। क्या आप उनको अपना कीमती वोट देंगे? अभी सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है, आपके वोट में बहुत वजन है। और महबूबा जी बात करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बात करती हैं तो पूरा मुल्क सुनता है। माइटी पीर पंचाल के दोनों तरफ फैले हुए इस हलके में असल में 7 मई को इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन BJP अपनी पार्टी और DPAP समेत मुतअद्दिद जमातों की दरख्वास्त पर मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से इसे 25 मई तक मौखर कर दिया गया था। 18.30 लाख से ज्यादा राहदीगान, जिनमें 8.99 लाख ख्वातीन और 81,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स भी शामिल है, जो 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी, जिनमें साबिक वजीर आला और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल है, बावकार नशस्त के लिए मैदान में है। हल्के में कुल 2,338 पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2,113 दही इलाकों और 2,025 शहरी इलाकों में है। पोलिंग वाले अजला में मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होगी और उसमें बताया जाता है कि यहां पर कहीं एक एजेंसीज के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें शामिल रहेगी। अगरचे यहां पर पिछले कहीं एक दिनों से, यानी कि पिछले एक महीने से यहां पर कहीं एक अटैक्स भी हुए और मौसम की खराबी यानी कि एडवर्स वेदर कंडीशंस के बावजूद भी अब यहां पर इलेक्शंस सैटरडे के दिन यानी कि शनिचरवार को कराए जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि यहां पर पोलिंग वाले अजला में कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अहदेदारों ने इस एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वस्ती और शुमाली कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का रुझान जनूबी कश्मीर में भी जारी रहेगा। 2022 में हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर अनंतनाग राजौरी हलके की तश्कील 9 की गई थी, जिसमें पुलवामा और शोपियां के कुछ हिस्सों को छोड़कर और राजौरी और पुंछ के बेशतर अजला को शामिल किया गया था। यहाँ पर भी तिकोनी मुकाबला होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। उसमें महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बाअसर गुजर लीडर मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल खान मनहास की तरफ से सख्त चैलेंज का सामना है। अगरचि मिलिटेंट हमलों में हिंदुस्तान फजाइया IAF के एक कॉरपोरल और BJP के एक साबिक सरपंच समेत 3 अफराद मारे गए। मिलिटेंटों ने 22 अप्रैल को राजौरी के शाहिदरा इलाके में कुंडा टॉप पर हमला किया और एक सरकारी मुलाजिम मोहम्मद रजा को गोली मारकर हला कर दिया। इसके बाद 4 मई को पुंछ के सुरनकोट इलाके में सनानी टॉप की तरफ से बढ़ने वाली IAF के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक फौजी अहलकार और 4 दीगर जख्मी हुए। मिलिटेंटू ने शोपिया में BJP के साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख को गोली मारकर हलाक कर दिया और अनंतनाग जिला के पहलगाम इलाके में
जयपुर के एक सयाह जोड़े को जख्मी कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी रैली में, जिसमें इतवार को पुंछ के मेंढर इलाके में इसके 3 कारकुनान चाकू हमले में जख्मी हो गए। यानी कि ये कड़ा मुकाबला होने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि साउथ कश्मीर ये एक हॉट बेड मिलिटेंसी का माना जाता है और पिछले 30 दिनों में यहाँ पर 4 हमले भी हुए। अगरचि यहाँ पर इसके बावजूद भी इलेक्शंस कराए गए और उसमें एडवर्स वेदर रिपोर्ट, जिस तरह से यहाँ पर पिछले महीने में यहाँ पर बर्फबारी के साथ साथ में बारिशें भी तेज़ हुई थी, मुगल रोड और दीगर जो कौमी शराएँ हैं वो भी यहाँ पर बंद हो गई थी, तहम सरकार पूरी तरह से चाको चौबंद लग रही है और यहाँ पर शनिचर के दिन वोट डाले जाएंगे। अगरचि मुकाबला सख्त है, मुकाबला तिकुनी है और यहाँ पर फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती भी मैदान में है और उसके साथ में अपनी पार्टी के जफर मनहास, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी ज़्यादा दबदबा भी यहाँ पर माना जाता है। मियां अल्ताफ एक गुजर बावकार गुजर लीडर है और काफ़ी ज़्यादा उनका दबदबा यहाँ पर है। यानी कि अगर अभी की बात करेंगे, जो यहाँ पर सियासी मुबसरीन है वो ये मानते हैं फ्रंट रनर्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही है। जम्मू कश्मीर की आखिरी निशस्त के लिए ये इलेक्शंस हो रहे हैं और सहरा किसके सर बंधेगा ये 4 जून को पता चलेगा। अगरचे आज शाम से अनंतनाग राजौरी के इलेक्शन कैंपेन भी इख्तिताम पजीर होंगे, शनिचर को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को फैसले और नतीजे आएंगे। उसमें देखने वाली ये बात होगी कि किसके सर सहरा बंधेगा। फिर दूसरा ही जानवानी जेके न्यूज श्रीनगर।